मो सहित डीएसपी आशा रानी अच्छा तांकु पचारिबा ए टीम केमती काम करे ए टीम केमती माओ हटेबारे पूरा पूरी एक ब्लू प्रिंट प्रस्तुत करे। मैम नमस्ते। नमस्ते मैम, ये जो टीम है इसको कैसे बनाए इसके बारे में थोड़ा हमको बताइए, कैसे क्या हुआ है ये टीम? जैसा आप देख रहे हैं पूरे भारत में आज महिलाएं हर जगह अपना परचम लहरा रही हैं, पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चल रही हैं। ऐसे ही दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी माई जी का आशीर्वाद प्राप्त है हमें, तो हम दंतेश्वरी माई की जी के नाम पे दंतेश्वरी फाइटर्स का गठन हुआ है। ये मई 2019 में गठन हुआ है। ये महिला डीआरजी की टीम है। महिला डीआरजी की टीम पुरुषों डीआरजी की टीम के साथ लगातार नक्सल क्षेत्र में जंगलों में गश्त कर रही हैं। गश्त के दौरान ये जैसा रात रुकना होता है, एक हम प्रॉपर एक एलओपी लेते हैं, उसमें फिर प्रॉपर जाते हैं पुरुषों के साथ। जो पुरुष करते हैं वही ये भी कर रहे हैं, जो पुरुष नक्सलवादियों के खिलाफ लड़ रहे हैं दंतेश्वरी फाइटर्स भी उन्हीं के खिलाफ लड़ रही हैं। चाहे अब उसमें हमें, अगर हम किसी गांव से होकर गुजरते हैं तो पहले क्या होता था कि गांव वाले जो है हमारे नज़दीक नहीं आते थे, एक विश्वास जो है विश्वास की कमी दिखती थी। आज महिला डीआरजी साथ में जा रही हैं तो गांव वालों के विश्वास में वो बढ़ोतरी हुई है। अब गांव वाले विश्वास करके हमें अपनी समस्याएं बताते हैं, जिनका अगर तुरंत वहां पे हल कर सकते हैं हम तो तुरंत वहां पे हल करते हैं, उनको समझाते हैं, उनको सैनिटाइजेशन के बारे में बताते हैं। साथ में हमारे पास अगर कुछ खाने का हो तो उनको उपलब्ध कराते हैं, उनकी हर तरीके से सहायता करते हैं। अगर वहाँ पे उनको कुछ सहायता उपलब्ध ना हो पाए तो हम जिला मुख्यालय आकर उसको बताते हैं। दंतेश्वरी फाइटर्स नक्सल गश्त सर्चिंग में जाती हैं, गश्त के दौरान अगर आपको जो भी ऑब्स्टिकल पार करने हों सारे ड्रिल का उपयोग करती हैं। जैसे अगर नदी पार करना हो, प्रॉपर एक उसका रिवर क्रॉसिंग ड्रिल होता है, हर तरह का ये ट्रेनिंग कर चुकी हुई हैं। अगर आपको देखना है तो आप हमारे साथ शामिल हो सकती हैं। आगे क्या करती हैं ये